मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठनों द्वारा बीआरसी कार्यालय से रैली निकालकर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर शोभाराम सोलंकी एवं थाना परिसर पहुंचकर थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती को बीआरसी प्रमुख राजेंद्र सोनी के पक्ष में ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग के साथ ही एक एफआईआर का खात्मा करने का आग्रह किया गया। एसडीएम कार्यालय पहुंचे कर्मचारी संगठन के नेताओं एवं कर्मचारियों ने ज्ञापन में बताया कि बीआरसी प्रमुख राजेंद्र सोनी के खिलाफ उनके अधीनस्थ शिक्षकों द्वारा जातिवादी गाली गलौज करने की झूठी शिकायत का आवेदन खातेगांव थाने में दिया गया था। शिकायतकर्ता कर्मचारियों के बीच जातिवादी भावनाओं को भड़काते रहते हैं, इसके द्वारा बीआरसी को परेशान करने एवं धमकाने के उद्देश्य से थाने में शिकायत की गई थी। उस शिकायत पर अन्य समस्त कर्मचारी एवं आम नागरिक भी इस शिकायत से परेशान है। शिकायत की जांच पश्चात राजेंद्र सोनी के खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाने का प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक देवास को प्रस्तुत किया जा चुका है। इसके बावजूद भी राजेंद्र सोनी के विरुद्ध पुलिस थाना खातेगांव में प्रकरण दर्ज कर लिए जाने से समस्त कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने एफआईआर का खात्मा करने का आग्रह करते हुए संबंधित अध्यक्ष कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। न्याय के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। जातिवाद निंदा करते हैं, निंदा करते हैं। बीआरसी राजेंद्र सोनी के विरुद्ध जातिवाद की कुछ शिकायत की गई थी। पुलिस द्वारा दिनांक 26/5 को अपने प्रतिवेदन में जो कि पुलिस अधीक्षक को दिया गया था, यह पाया था कि बीआरसी के विरुद्ध की गई शिकायत निराधार है और शिकायत खारिज करने के लिए पुलिस द्वारा प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक को भेजा गया था। इसके बावजूद 19/6/2019 को राजेंद्र सोनी के विरुद्ध उसी पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज किया जाने वाला जो किया गया है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। इसका मतलब निश्चित रूप से कहीं न कहीं राजनीतिक या कहीं दबाव के द्वारा यह प्रकरण दर्ज किया गया है, क्योंकि जो प्रतिवेदन जिस पुलिस थाने से जो प्रतिवेदन जा रहा है कि शिकायत निराधार है, उसी थाने में फिर शिकायत के विरुद्ध एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है। हम तमाम कर्मचारी संगठनों की ओर से इस जातिवादी प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं। ये समाज के लिए हानिकारक है और अगर झूठी शिकायतकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई एवं राजेंद्र सोनी की शिकायत निरस्त नहीं की गई तो हम धरना आंदोलन के लिए तत्पर। राजेंद्र सोनी बीआरसी के विरुद्ध एक अपराध हरिजन एक्ट के धाराओं के तहत पंजीबद्ध किया गया है। उसी संबंध में एक ज्ञापन आज कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष जेपीएस तोमर के साथ थाने पर दिया गया है। हम ज्ञापन में जो उनने लिखा है उसके अनुसार हम वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन में उनका प्रेषित कर अवगत कराएंगे और जो प्रकरण राजेंद्र सोनी के खिलाफ पंजीबद्ध है उसमें निष्पक्ष विवेचना करके और जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो बड़ी सुविधा होगा।